केदारनाथ के सक्सेसफुल ट्रैक के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था ऋषिकेश, और सीतापुर से ऋषिकेश आने के लिए हमें 200 किलोमीटर का लंबा ट्रैवल करना था। जितना लंबा ये रास्ता है, उस दिन हमारे लिए उतनी ही लंबी थी ये रात। सीतापुर में मिले ट्रैफिक की वजह से हमें ऋषिकेश आने के लिए रात के 12 बज गए, और हम पहुंच गए लक्ष्मण झूला के नजदीक वाले हॉस्टल में। यहाँ पे हमने हमारे अगले 2 दिन का बुकिंग किया है। ये हमारा हॉस्टल का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। हॉस्टल के बारे में जितना सुना था, सच में उतनी ही अच्छी है यहाँ की वाइब्स। यहाँ आते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई, और इसलिए आपके साथ ये यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लक्ष्मण झूला के हॉस्टल की एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। अब देखते हैं हमने यहाँ कौन सा रूम बुक किया है। हमने एक स्टैंडर्ड रूम बुक किया है विद बालकनी एंड बाथरूम अटैच्ड। ये 2 लोगों के लिए है, काफी क्लीन और अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। इसके साथ हमने बुक किया है 6 बेड डॉर्म्स। यहाँ भी हमारा दिन का और रात का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हॉस्टल ऐप से आप अपने चॉइस का कोई भी रूम बुक कर सकते हो, पर आपको एडवांस बुकिंग करना होगा क्योंकि ये हमेशा फुल होता है। ये है गार्डन एरिया, यहां भी आप दिन या रात कभी भी आ सकते हो। इसके अलावा और एक कॉमन एरिया है, यहाँ आपको अपने ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पूरे हॉस्टल में आपको आर्ट से जुड़ी ढेर सारी पेंटिंग्स और पोस्टर देखने मिलेंगे, और इनकी यही बात इस हॉस्टल के कॉन्सेप्ट को कुछ अलग और खास बनाती है। टेरेस पे भी टाइम बिताने के लिए बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जहां से हम सनराइज और सनसेट का बेहद खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। और इसके अलावा यहां से पूरा ऋषिकेश दिखता है, जो इस जगह को और भी खास बनाता है। दूसरे दिन हमारे लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि यहां जोस्टन ने लाइव ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज किया था, जिसने हमारी यहाँ की आखिरी रात को और भी हसीन कर दिया। और इस तरह हमारा हॉस्टल का ये पहला एक्सपीरियंस बहुत ही मेमोरेबल था। आपको भी हॉस्टल की ये वाइब्स पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।